अरे ये बंद करो भाई, बीच में कोई नहीं आएगा प्लीज। आपको बोलना है पर मैं टाल कर दूं। बंद करो टोंटा पे कौन है साउंड दादा, ध्यान रखो यार कोई आवा बिन करंट वाले तार लगा दे। अरे इतो शानो है हमारा साउंड वालों भाई, साउंड लगाओ बेटे। हेलो हेलो, 1 2 3 चेक चेक चेक, आदत पड़ गई भाई ना। रात ना 2 बजे नींदा में उठ के खड़े हो जाए, हेलो चेक 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 1 2 3 चेक चेक। एक दिन भाभी जी खींच के लात मारी, बोला चेक करते रहोगे कि प्रोग्राम भी शुरू करोगे था। आवाज आ रही है ना वहां तक, तालियां इनके लिए। हाँ, जुल्म और सितम से तप तप के निखरने वाले, जुल्म और सितम से तप तप के निखरने वाले बेड़ियां तोड़ के महलों को जकड़ सकते हैं, और जिन्हें पाला हो जिनोवा के उजालों ने, और दीवाने हुकूमत को बदल सकते हैं, और दीवाने हुकूमत को बदल सकते हैं। ऐसे ही देश की सेवा करने का मेरे को शौक चढ़ा। मैं मेरी माँ कहने गया, मैं कहूँ माँ तेरे दूध का कर्ज चुकाऊंगा। माँ बोली बेटा पहले दूध अड़ा को चुका दे, 3 महीना हो गया रोज दिन भी आधे गड़ा का ठंडा है। सो आज ये महफिल जो यहाँ जमी है उसके कर्णधार कर्ता धरता हमारे यूनुस भाई है। एक बार जोरदार तालियां यूनुस जी के लिए। सर मिस्टर ब्लैक एंड व्हाइट, आपका नाम अनाउंस हो गया, कहाँ ध्यान है आपका। एक बार जोरदार तालियां भाई के लिए। अच्छा, पूरे राजस्थान के हेड है, जिनोवा का सारा काम देखते हैं, किसानों के प्रति इतना लगाव प्यार कि बस अपना जीवन ही खेती बाड़ी को समर्पित कर दिया। मेरे को फोन किया कि कुड आई स्पीक टू ख्याली। सोचो बॉम्बे रह बे, अंग्रेजी बोले वहां हिंदी तो बनावे को नहीं। कि कुड आई स्पीक टू ख्याली, मैं कहा स्पीक रहा हूँ। मैं भी फिर अंग्रेजी बोली, बोला आई एम यूनुस खान स्पीकिंग फ्रॉम जींस। मगा यस स्पीको। बोला आ जाओ छत्तरगढ़, आपका प्रोग्राम कराते हैं। मगा जी आ जाते हैं, आगे बोलो। मेरे को और कुछ आता ही नहीं। बोला हाँ बताओ पैसे वैसे का। मगा जी आपकी इतनी बड़ी कंपनी है, कभी गुजरात में शो हो रहे हैं, कभी एमपी में हो रहे हैं, बड़े बड़े स्टार आते हैं, कभी शाहरुख खान बुलाते हो, कभी सलमान खान बुलाते हो, उनको जो देते हो उससे 100 रुपए कम दे देना। मेरो ही शाना का बेटा बाने तो मैं सो ही दिया, तू तो आजा। ये सही है भी, मैं चंडीगढ़ भी बहुत साल रहे हो, गंगानगर भी रहे हो, बॉम्बे भी रहे हो, लेकिन आपनो कल्चर आपने रंग में जगह मजा आवे नहीं भाई, और खुद ही को नहीं आवे। क्यों अठे आदमी डीसी लुगाई, सरपंच सरपंचनी, डॉक्टर डॉक्टरनी, मास्टर मास्टरनी, मास्टरनी चाहे तीसरी फेल हो पर मास्टर लार आगे मास्टरनी। अब बॉम्बे में आदमी को नाम कौन ले, अग्रवाल साहब, गोयल साहब। तो मैं ये सोचूंगी अपली रिवाज से बॉम्बे शुरू होगी तो मामलो जमा ही गड़बड़ होती, लोकेसी चोपड़ा चोपड़ी, मिश्रा मिश्री, गुप्ता गुप्ती। कहती ये पार्टी में हांडा साहब आया, सगा हांडी आई है। और मैं तो डरबोक रूप ही भगवान ना करे, जे कि आदमी को नाम चड्डा साहब निकला है तो क्यों उस। तो आपना कल्चर आपनो माहौल इतो बिंदास है कि उसका कोई अंदाज नहीं है। छोटो सो नाम मेरो ख्याली, समझ आ गया तेरा, मेरे आस्था ही बोनी है। फोन आवा कौन बोले, मैं ख्याली ट्राली, मुके ट्राली नहीं भैसा ख्याली। अच्छा प्याली, 5-6 बारी एक दिन समझाना पड़ा। एक दिन मैं यही पूछ लिया हूँ भाई तेरा नाम क्या है, वो शुरू हो गए मेरा नाम ख्याली है, तेरा नाम क्या है। मगर जी नाम तो मेरा भी ख्याली है, पर मैं इतने खेल नहीं करता जितने तू करता है। मैं छोटे छोटे आदर मारे क्रिकेट खेलता, मारा कप्तान भी ना अंकड़ी आती बहुत ही बोली, तो कौन एम्पायर है, बोला बोलो हेड या टेल, बोले फेंको, बोले नहीं बोलो हेड या टेल, बोले फेंको। अब उसने फेंका टेल, बाबा यही है यही ऊपर आ गया मेरा। तो अपने यहाँ का सिस्टम, यहाँ का अंदाज इतना निराला और इतना प्यारा है। छोटा सो गांव मेरे बड़ोपड़ है, सूरतगढ़ के परलचड़ है, 18 SPD जगह में पैदा हुए हो। हालांकि मैं बेटा पैदा हुआ को नहीं हो, नहीं मेरी बात पहले अमेरिका चली, फिर मैं सोचा यार अमेरिका में आना जाना लंबो जी सी बागड़ी को नहीं आसी जब थारे लोगों की मिली जगह। तो कोशिश करी मैं भट्टी पैदा हुए हो, गाँव में मारा स्कूल 5वीं को नीम के नीचे क्लास लगती, तो नक्सो मारा तुम दो स्कूल को इन सूरज तो मैं बोरी ले गई ना जनता, सूरज इनाम तो मैं बोरी ले गई ना जनता। मैं वैज्ञानिका ने बताया भी धरती गोल है, बाद में मैं लिखना पढ़ो।
और पढ़ाई हो इतो प्यार थे यकीन कौन करोगा छत्तरगढ़ डालो, मतलब इतो प्यार मैंने पढ़ाई हो 3 साल तो दसवीं में रहे हो, प्यार ही तो पढ़ाई छोटे नजीक कौन करो। फिर गुरु जी बोले बेटा अब तू दसवीं में PhD करे होगे तो मैं टाइम हुई समझ आ गई भी काम करना चाहिए, गरगंग हाथ बटाना चाहिए, 18-19 साल उम्र हो जाए नी मूछ दाढ़ी आ जाए काम लाग जाना चाहिए बिना कहीं देखो मिले वही ठीक है। मैं गंगानगर स्विमिंग पूल है एक बड़े चौकीदार की नौकरी करी 1 साल, फिर गंगानगर कपड़ा मिल में नौकरी लाग गयो, कपड़ा मिल में लाग गई हो मैं यहाँ बस मजा आने लग गया या ट्रेनिंग में कई दिन दो रहो कभी स्टेशन पर सोयो कभी पार्का में जी यही परमानेंट हो इतना मेरे हाथों मशीन में आ गयो 13 जगह टूट गयो 13 महीना भर्ती रहे 8 ऑपरेशन होया कई डॉक्टर काम करना सीख गया हाँ मैंने रोज ही खोल लेता भाई जी सीखियो गले को मेरे को गाल दियो 15-1 दिन बाद का भाई जी नट गलेगा मैं क्यों मैं बेलो ही हूँ एक काम सीखो ट्रेनिंग लियो मुड़के की दिक्कत नहीं आनी चाहिए दवाई पानी वाली टेंशन घर का पूर्ता को नहीं 100 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल में 13 महीना अपना आपने समझायो आए रखिए जाए रखिए जो मन में है वो गाय रखिए टूटा है हाथ तो क्या हुआ ख्याली कहीं ना कहीं फंसाए रखिए। तो जिंदगी में जठा भी मौको मिले कभी पीछे मत हटना, टेंशन सारा ही है कलाकार भी है यूनुस भाई का अपनी टेंशन है एंकर आएंगे आपकी टेंशन है सबके टेंशन को हराने का सबसे अच्छा तरीका काम की स्पीड बढ़ाओ कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ ये जिंदगी ट्रेन सी गुजरती है मैं पुल सा थरथराता हूँ जब से उखड़ गया बाजू मेरा मैं और ज्यादा वजन उठाता हूँ जब से उखड़ गया बाजू मेरा मैं और ज्यादा वजन मैं नहीं बहनो मार्स कहो भी मेरे तो एक हाथ को नहीं तो मैं के कर दू हार गठा टीवी में आ जाऊँ और फिल्म में आ जाऊँ और तो ऐसी बात नहीं है मौके पर ऑन द स्पॉट बहुत सारी चीजें को चेतो रखना चाहिए बुजुर्ग अपन समझावे नहीं मैं पहली बार इंटरव्यू देने गयो मेरा दोस्त मेरे साथ है जानते ही मेरा नंबर आ गयो तो साहब क्या बता भाई देश का प्रधानमंत्री कौन है बी टाइम अटल बिहारी वाजपेयी साहब मैं कह जी अटल बिहारी वाजपेयी बोले ठीक है देश आजाद कब हुआ मैं कह जी प्रयास 1857 में शुरू हो गयो सफलता 1947 में मिली पटेल तो ही मैं थाने बताइयो तो पेट्रोल कहां से आता है मैं इराक से बोले कौन बनेगा करोड़पति एंकर कौन है मैं अमिताभ बच्चन बोले जाओ बारह आयो मेरे दोस्त का बता के पूछे मैं क्यों प्रश्न उत्तर बता रहे हो टाइम को नहीं उत्तर बताऊं रट्टो मार ले पहले अटल बिहारी वाजपेयी प्रयास असम से सिद्धा जिला अमिताभ बच्चन भाई साहब रट्टा मार के पहुंचे तो आगे कोई छत्तरगढ़ कोई मक्को बैठे हो इंटरव्यू लेनी हो पहले ही सवाल का हाँ भाई तेरे बाप का नाम क्या है अगला तो रट्टो मारे रहोगे अटल बिहारी वाजपेयी वाजपेयी साहब की शादी नहीं हुई थी तुम कब पैदा हुए बोले जी प्रयास तो 1857 में शुरू हो गया सफलता 1947 में आदमी यार इशू आदमी खटू आया इराक हूँ अरे बोले भाई यार तू पागल है कि मैं पागल बोले पागल दोनों ही कौन साहब पागल अमिताभ बच्चन है मैंने पक्की खबर है बता के क्यों हार है तो हमेशा अलर्ट रहना कौन सी क्या स्थिति परिस्थिति हमारे सामने आ जाए तो कपड़ा मिल में मैं नौकरी करते करते सागर नाटक सीखता हूँ थिएटर सीखा मैं 5-6 साल अब कई लोग मैं मिलूं मैं इबानी लगे जान मैं बॉम्बे गए और जानते ही आगे कैमरों लिए खड़े और जानते ही मेरे लाफ्टर शो शूटिंग हो गया ऐसा नहीं है फिर मैं 2000 में चंडीगढ़ गया 6-7 साल चंडीगढ़ सीखता रहा फिर मौका मिला लाफ्टर शो में आने का तो लोग पहचानते थे कि अरे वो लाफ्टर वाले खाली है फिर कॉमेडी सर्कस शो ने टीवी पर बड़ा लंबा शो आया अरे वो तो कॉमेडी सर्कस वालों सिंगिंग किंग फिल्म आई गाना हिट हो गया जी तेनों दूल्हा किने बनाया भूतनी के तो लोग भी सीधा ही हो गया भाई जी फिर तो मैं भूतनी वाला हूँ मैं हाँ भाई तो उस काम के साथ साथ पहचान भी बढ़ती गई टीवी फिल्म शो करते करते पैसा बहुत मिला दिन की शो आखन शो शूटिंग रात में पैसा आया तो मैं गिनने लग गया गिनते गिनते मेरा थूक खत्म होने लग गया मैं कह रहा हूँ पानी की कमी आसी तो जितना मैं टीवी फिल्म शो कमाया बीता सारा मेरे दादा के रामो ट्रस्ट बना के काम आया 10-11 करोड़ दान करके एक सैनिक स्कूल बना दियो हिंदुस्तान का पहला निजी सैनिक स्कूल तो आपने चौधरी पीसा पासा को लालच आई कौन के करना और बठू फिर मैं एजुकेशन में आने के बाद बड़ी जगह ट्रेनिंग हुई नी कलेक्टर की ST की IAS IPS अकेडमी यूनिवर्सिटी कॉलेज में मैं भी पढ़ाने लग गया मोटिवेशन की क्लास अब मन ध्यान को नहीं मोटिवेशन हुआ कि है यूनुस भाई पर का कहता मैं स्टेज में उतरता हूँ यार आप मोटिवेट बहुत करते हो मगर भाई जी मोटिवेशन हुआ कि है कि आप जागरूक करते हो
अगले दिन मेरे को फोन आया नोएडा हूँ, कहते यूनिवर्सिटी में शो करना है, हम एक मोटिवेटर ढूंढ रहे हैं, आर यू मोटिवेटर? मगर यस। तो बोले कब से मोटिवेटर हो? मगर जी रात 9:45 उठा लगे। तो शो ऐसे करने शुरू किए, वहां सवाल जवाब बातचीत। तो मैं एक जगह शो में समझाओ कि आप भगवान जिस परिस्थिति में रखे वहां पे खुश रहना सीख लो, दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। तो एक मैडम खड़ी हुई, बोले जी ये किया, आप रेलवे स्टेशन पे सोते थे गंगानगर, तो कैसे खुश रखा अपने आप को? तो सवाल तो बड़ा टेढ़ा, मेरे भी टेंशन होगी। मैं क्यों बहन जी, आप बात तो सही है कि मैं रेलवे स्टेशन पर सोयो, पर मैं चौड़ो होके जानता हूँ स्टेशन पर भी, स्टेशन मेरे बाप को है, मर्जी आओ बैठा टांग पर टांग दे के सो जानते हो। रात में पुलिस वाला आता थानेदार जी आता है, कान पकड़ के बारह काट देता दिन में, किंतु छोड़ दो अपने के बाप को है। आप ही सही है भी, मैं स्टेशन पर सोयो नीचे सोयो, पर मैं कभी हिंदी को फायरवन भी छायो, अंग्रेजी को हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, कोई नीचे सोनो है अखबार भी छा के सोना देना, अंग्रेजी को तो बिछावा कम कम बीतवार में रंगीन अखबार पिछानते देना, इन्हें प्रियंका चोपड़ा की फोटो, इन्हें बिपाशा बसु की फोटो, कभी मैं प्रियंका का नहीं अंगड़ाई मार ले तो, कभी मैं बिपाशा का नहीं पासो फोड़ ले तो, मैं क्या मैं टेंशन लूंगी, मैं स्टेशन पर सुते हूँ, मेरा टेंशन है मेरी हीरोइन है, पर कोई पकना रख दिया। तो परमात्मा जहां रखे वहां जब हम खुश रहना सीख लेते हैं तो हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मारे काम में अंग्रेज आ गया, मिनोज पहली अंग्रेज आया तो आया के टेंशन होगी, काम ना धक्को देके मना के कर दियो, दिस इज बॉम्बे स्पीको। अब स्पीकर के अंत का तो नाम पूछो, व्हाट इज योर नेम? मैं जी माय नेम इज ख्याली। ओ काली, अब मगर काली नहीं बहन जी, ख्याली, आई नो काली, मगर काली नहीं खे, ये आगे डंडा ले ये की मात्रा ख्याली, हाँ काली, ठीक है, किसने रखा ये नाम? अब नाम आपने कौन रखा है? मैं क्यों भी जगह मेरी माओ ने रखी, बड़ मेरा नाम रखियो मेरे बाबा। ओहो तुम पैदा कैसे हुए? मैं कैसे हुए क्या?